भरौठी आंगनवाड़ी केंद्र में जो बदलाव आया है, आइए जानते हैं यहाँ की सहायिका से बदलाव के बारे में। आप लोगों ने क्या किया तब ये बदलाव? वो लोग यहाँ वीडियो बनवाए थे, वीडियो को अधिकारी लोग देखे होंगे जब तो हमारे यहाँ काम करवाए हैं। ये कैसे हुआ? महिला बाल विकास। आपको कैसे पता चला था इस समस्या के बारे में? समस्या के बारे में हमको वही बताए थे आंगनवाड़ी वाली मैडम कि समस्या है करके। फिर जनपद सदस्य हैं कौवा झरवाली सरोज मैडम, वो जनपद सदस्य हैं, वो वीडियो भेजी थी यहाँ। फिर उनसे मिली मैं, कहूँ कहाँ से हो गया रे हल, तो उन्हें बोल रही थी कि हम परियोजना ऑफिस चले। वहाँ गए तो हम भाई हम सोची कहाँ से हल होगी, वहीं से होगी, तो वहाँ गई थी। तो वहाँ से हमको बताए ये इसे करवाना है कि पंचायत की उससे, तो हम वहाँ सीट वीट बैठा ली। यहाँ पर जैसे लाइट है, पानी की टंकी है, ये सारी व्यवस्थाएं किसने किया? तो महिला ही बाल विकास विभाग से हुई थी। क्या क्या हुआ है उसमें? लाइट पानी वो अपने विभाग वाली उनकर करी थी, और जो सीट वीट बैठाने का वो तो पंचायत की उससे करवाए हैं, सीट बैठा ली। जैसे शौचालय आपने बनाया है जी, इस समस्या को हल करने में जो मदद किए हैं उनको आप क्या कहना चाहती हैं मैडम जी? उनको बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है, हमारे कामों में अपने पंचायत में सहयोग दिए हैं आप, उन और हम मिल करके अच्छे काम किए हैं। और जो जनपद सदस्य हैं सरोज दीदी, वो भी अच्छी सहयोग करते हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद बोल रही हूँ। ग्राम भरौठी माल में एक आंगनवाड़ी केंद्र है जिसमें 53 बच्चे 0 से 6 वर्ष के हैं, और यह आंगनवाड़ी 1992 से संचालित है, और यहाँ पर जब से बिल्डिंग बना है तभी से शौचालय अपूर्ण है और ना ही पेयजल व्यवस्था है, जिसको लेकर हमने समुदाय के सहयोग से 27/3/2023 को एक समस्या वीडियो बनाया और बदलाव के लिए प्रयास किया। हमने समुदाय के साथ मीटिंग एवं वीडियो स्क्रीनिंग किया और महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा, और गोवा ऑफिस से पंकज जी मदद किए, जिसमें अधिकारी हमें अपने ऑफिस बुलाया और सलाह दिया कि आप सरपंच से बात करके शौचालय की सीट सेटिंग करा दीजिए, हम अपने विभाग से बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे। जिसमें हमने सरपंच से बात किया और शौचालय सरपंच के द्वारा कंप्लीट करा दिया गया, बाकी के पेयजल एवं बिजली कनेक्शन पंखा की व्यवस्था महिला बाल विकास विभाग के द्वारा करवा दिया गया है। अब यहां कोई परेशानी नहीं है, बच्चे एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। मुझे इस समस्या को हल करने में 1 साल लगे, अब आंगनवाड़ी के बच्चे एवं गर्भवती धात्री महिलाओं सहित कुल 70 लोगों को इसका फायदा हुआ है।